दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन और आप देख रहे हैं सीमन मोहसिन। दोस्तों, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपकी मैट्रिक की मार्कशीट या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इनकी फोटोकॉपियां बोर्ड ऑफिस से वेरीफाई करवाने के लिए कहा जाता है, तो उसका प्रोसेस और उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसका दोनों का प्रोसेस बहुत आसान है। मैं आज आपको बताऊंगा लेटेस्ट 2022 का प्रोसेस के आप अगर आप कराची से हैं तो आप अपनी मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से किस तरह से वेरीफाई करवा सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये प्रोसेस लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिक की मार्कशीट किस तरह से वेरीफाई करवा दें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप मैट्रिक बोर्ड ऑफिस जाएंगे तो जैसे ही आप गेट से इंटर होंगे, सामने बिल्कुल सीधे हाथ पे बिल्कुल सामने वहां पर ब्लॉक ए बिल्डिंग है। ब्लॉक ए बिल्डिंग में उस बिल्डिंग के नीचे ही 3-4 विंडो बनी हुई है। उन विंडो पर आप सबसे पहले पहुंचे और उन विंडो में भाई को कहे कि आपको मैट्रिक की मार्कशीट वेरीफाई करवानी है, उसका फॉर्म दे दे। फॉर्म बिल्कुल फ्री है, वहां से आपने फॉर्म लेना है, उस फॉर्म को फिल करना है। उस फॉर्म में आपकी सारी अपनी डिटेल होंगी और वो सब डिटेल आपने फिल करनी है। उसके साथ आपने एक अपनी शिनाख्ती कार्ड की कॉपी, एक आपके फादर की शिनाख्ती कार्ड की कॉपी और दो आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपियां, दोनों साइड की मार्कशीट की फोटोकॉपियां। अगर दोनों साइड की आप नहीं करेंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा, कहेगा दूसरी फोटोकॉपी करवा के लाओ, पिछले साइड से भी करवा के लाओ। तो फ्रंट और बैक दोनों की फोटोकॉपी करवानी है। तो ये 4 फोटोकॉपियां आपने फॉर्म के साथ जमा करवानी है, एक अपने शिनाख्ती कार्ड की, अपने वालिद की शिनाख्ती कार्ड की और दो मैट्रिक की मार्कशीट की फोटोकॉपी दोनों साइड की। तो ये आप जब 4 चीजें अपने फॉर्म के साथ वहीं पे फिल करके दोबारा उसी विंडो पर चले जाएं और उससे कहेंगे ये वेरिफिकेशन फॉर्म है, अब इसका क्या करना है। वो आपसे कहेगा कि अब इसकी फीस पे करनी है। तो फीस अब आपको बताएगा, आपको नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल मिलेगा 15 दिन में, अर्जेंट मिलेगा आपको 7 दिन में, मतलब एक हफ्ते में अर्जेंट, दो हफ्ते में नॉर्मल। और नॉर्मल की फीस 400 रुपए, अर्जेंट की फीस 600 रुपए। तो आप पे डिपेंड करता है, आपको अर्जेंट चाहिए आप अर्जेंट कह दें उसे, जो आप कहेंगे वो फीस ऊपर लिखेगा और कहेगा फीस पे करके आ जाओ। वहीं से जब आप रिटर्न आएंगे तो कैश काउंटर वहां पर बने हुए, या उससे पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, कैश काउंटर बने हुए, कैश काउंटर पे जाएंगे, अपना फॉर्म देंगे, वो आपसे कहेगा ठीक है भाई इतनी फीस दे दो, जितनी उसने लिखी होगी वही 400 या 600, आप वो जाकर उसे पे करेंगे और वो आपको स्लिप दे देगा। वो स्लिप लेकर और फॉर्म लेकर आप आ जाए और उसी विंडो पर जाके जमा करवा दे। और उतने ही दिन बाद, जितने दिन का आपने कहा है उतने दिन बाद, इसी विंडो से आपको जाके जब आप रसीद दिखाएंगे आपको वेरीफाई हुई भी मार्कशीट मिल जाएगी। तो यहां से आपकी वेरिफिकेशन मार्कशीट की हो गई। अब बारी आती है सर्टिफिकेट की। दोस्तों मेन बिल्डिंग ए के, ब्लॉक ए के बिल्कुल सामने है सीधे हाथ पर ब्लॉक बी की बिल्डिंग। दोस्तों उस बिल्डिंग में आप चले जाएं और रूम नंबर 22 पे चले जाएं। रूम नंबर 22 मैट्रिक के सर्टिफिकेट की डीलिंग करता है। वहां पर जब आप जाएंगे तो आप किसी भी ऑफिसर से कहें, किसी भी बंदे से कहें ऑफिस के अंदर कि आपको सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाना है, उसका फॉर्म दे दें। ये फॉर्म भी फ्री और ये उसी रूम से मिलता है। तो आप जब वो फॉर्म लेंगे उस फॉर्म को भी फिल करें, दो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी अटैच करें, बोथ साइड की प्रिंट की भी फोटोकॉपी की भी, अपने दो शिनाख्ती कार्ड, अपने वालिद के भी दो शिनाख्ती कार्ड की कॉपी। तो ये 2, 4 और 6 फोटोकॉपियां आपने अटैच करनी है। वो अटैच करके वही प्रोसेस है, आप उसे जमा करें, उसे कहें फीस कहां पे भरनी है, कितनी भरनी है। वो नॉर्मल के 400 रुपए, अर्जेंट के 600 रुपए, नॉर्मल 15 दिन बाद, अर्जेंट 7 दिन बाद आपको मिलेगा। आप उसे बताएं फॉर्म के ऊपर, वो लिख देगा भाई इतनी इतनी फीस है। वहीं पर चले जाएं कैश काउंटर में, वहां पर जमा कराएं, आगे रसीद उनको जमा करा दें, तो वो आपके वो फॉर्म ले लेंगे और वो रसीद भी ले लेंगे और अपनी पर्ची एक बना देंगे कि भाई आप इतने दिन बाद आगे ले जाओ। इतने दिन बाद ठीक उसी रूम नंबर 22 से आपने आगे वो स्लिप दिखानी है और अपने सर्टिफिकेट वेरीफाई हुआ हुआ लेकर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत आसान प्रोसेस है, आपने लिख भी लिया होगा आई होप, और इस तरह से आप अपनी मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट वेरीफाई करवा सकते हैं बोर्ड ऑफिस से। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर समवन इन द फ्यूचर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।